सुलगा गांव है और खेती दिख रही है आपको। बच्चे भी साथ में है जो बेंगलोर से आए हुए हैं और हम सांप छोड़ने जा रहे हैं। और ऑन द वे गांव है मेरे गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर और वहां पर सांप निकला है तो छोड़ के नहीं जाते हैं, लोगों की तसल्ली के लिए पकड़ना पड़ता है। चावल का जो धान रहता है उसमें भी सांप रहते हैं और ये चावल निकलने के बाद सूखी घास भी रहती है जो जानवर के लिए खासकर धूप के सीजन में वगैरह इसको सूखा घास बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं किसान लोग। इसमें बहुत ही कम लेकिन धान का जो ये रहता है घास उसमें ज़्यादा सांप रहते हैं, तो हर वक्त किसान को भी संभल के रहना चाहिए। जो हमने कल भी वीडियो बनाया है किसान को ज़्यादा खतरा होता है सांपों का, अक्सर वो काम करते हुए जगह पर रहने की संभावना है क्योंकि सांप और किसान एक ही जगह पर रहते हैं क्योंकि चूहे वहाँ पर रहते हैं धान का खेती में वगैरह, और अक्सर किसानों को उसकी मुलाकात होती रहती है। बचा कुछ जो धान है या चावल है इस तरह से इधर इधर नीचे 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 इधर इधर नीचे प्लस और नीचे इधर इधर आओ इधर आओ। ये देखिए किस तरह से ये जो है ये चूहों ने बनाए हुए रास्ते हैं और यहाँ पर अंदर वो गोडाउन बनाते हैं और इसी रास्ते से सांप अंदर आ जाते हैं। इसमें होल नहीं है तो सांप अंदर नहीं जा पाता, ये सब चूहों की हुई करामत है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस देश के हर परिवार का 20% अनाज लगभग चूहे ही फंस करते हैं और चूहों को सांप खाता है, इसलिए सांप किसानों का दोस्त है। कितने आराम से कितना बड़ा सांप कितना सुंदर सा बैठा हुआ है, जैसे कैमरा में आ रहा होगा दिखा। हाँ बैठा बैठा ये देख सकते हैं चूहे खाए हैं इसने, चूहा खाया इसने इसलिए वो इतना शांत है, शांत आराम से बैठा हुआ था, आराम से इसको अपना हजम कर रहा है। और किसान भी यहाँ पर तो है, उन्होंने अच्छा किया था कि इधर हिलाया दिखाई दिया बस बंद कर दिया और सांप भी वहाँ से नहीं हिला, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि सांप अगर सब कुछ निकाल दिया तो सांप तेजी से भाग सकता है। मैं तो चाहता ही हूँ भाग के जाए लेकिन बहुत सारे लोग उसको मारते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है, डर है, जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक सांपों को बचाना मुश्किल है। सांपों की सच्चाई जानकारी उस तक पहुंचनी चाहिए। इतने बड़े बड़े सांप अक्सर खेती में रहते हैं, लगभग लगभग 5 फीट लंबाई का ये सांप, 5-5.5 फीट लंबाई का सांप नाग है, बहुत ही सुंदर है और इस तरह से अक्सर हमारे आस पड़ोस में आ जाते हैं और हमें कितना संभल कर रहना चाहिए आप सोच सकते हैं। वैसे हमने सांप काटने के बाद लक्षण की बात की थी, प्रथम उजर मैं दोबारा दोहराता हूँ, आप सांप काटने के बाद पहले मत डरिए। मुझे अक्सर लोग पूछते कि प्रथम उपचार क्या है, प्रथम उपचार क्या है, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन डरे हुए हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप मन से बड़े मरे हुए हैं और शरीर पर डॉक्टर इलाज करते हैं तो डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। आपके अंदर जो है हर किसी के अंदर है, बस आप सांप अगर काटता है ऐसी बुरी घटना होती है तो आप हिम्मत रखिए, धीरे रखिए और जो आपके नज़दीक लोग हैं उनका भी ये फर्ज बनता है, आप शांत रहो। अपने आस पड़ोस में कोई सर्प मित्र है उनको फ़ोन कीजिएगा। पट्टी बांधना है नाग खरीदने काटा तो वाइपर रसल वाइपर हो या श्वास के वाइपर घोलस या फुरसा, वो काटने के बाद पट्टी नहीं बांधना है और हलचल के लिए अगर आपको अस्पताल में पहुंचना है किसी भी कीमत पर हर हाल में आपको टारगेट रखना है, अस्पताल पहुंचना है और जो कुछ जानकारी है वो डॉक्टरों को देनी है। तो और बहुत सारी जो इलाज है उसके बाद वो कर सकते हैं, हमें इसके लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि लोग डरे नहीं मतलब जाके उसको गले लगाए, अक्सर ऐसा होता है कि मैं डेरिंग मतलब वो ज्ञान के साथ आना आया हुआ डेरिंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि सांप की बस बता दिया कुछ वो जाके पकड़ने लगते हैं, गले लगाता हूँ ऐसा बोलते हैं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। आपके अंदर डेरिंग धीरज ये जो हिम्मत की मैं बात करता हूँ ये उसके साथ नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई जाकर शराब पीकर अगर रेल के सामने खड़ा हो जाएगा तो उसको मैं डेरिंग नहीं कहता, तो अक्सर इस बातों का ध्यान रखिए, खासकर बच्चों के बारे में वो जल्दी ही इस बातों को ये करते हैं और मेरे बच्चे भी हैं मेरी जानकारी के बगैर वो अगर नॉन पॉइजन सांप है उनको सब पता है उसके बाद ही उसको पकड़ने नहीं जाते। तो मैं ये जो मैसेज दे रहा हूँ उसको मिक्सिंग मत कीजिएगा, सांप का डर दूर से निकालना उसको दूर है, आप कुछ नहीं करेगा यहाँ तक ठीक है, इसका मतलब आप जाके पकड़ो ये बात अलग है, इसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हर सर्प मित्र जो बनना चाहते हैं या सांपों को बचाना चाहते हैं
इस बात को ध्यान रखे, ख्याल रखे, सांप काटना जानलेवा खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि उसकी लिमिट क्या है, मर्यादा क्या है। और इस तरह से देखो थैली हिला रहा हूँ, थैली से कोई मतलब उसको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो थैली तो जीवित नहीं है और मैं जीवित प्राणी हूँ, लेकिन वो थैली को कवर कर रहा है। मतलब सांप जो डरते हैं वो ये देखिए थैली बस हिल रही, मैं हिला भी नहीं रहा हूँ और उसको लग रहा है ये जानलेवा है, खतरनाक है। जितना उसको हम डराएंगे उतना वो ये करेगा। जैसे कि हमने अभी काफ़ी देर मैं बात कर रहा था तो वो नीचे उसको ये किया था, मैंने उकसाया या उसको तकलीफ दी या उसका लिमिट क्रॉस किया, तो इस प्रकार की हरकत सांप करता रहता है। अभी वो बस इस थैली को ही टारगेट कर रहा है, तो ऐसा खड़ा भी रहता है आपके आस पड़ोस में, आप बस निकल जाते तो सांप आके आपका पीछा नहीं करेगा, उसकी लिमिट क्रॉस करते। मैं यहाँ पर बस पूछ छोड़ दूंगा, पीछे हट जाऊँगा तो सांप यहाँ से निकल जाएगा। निकल जाएगा ना कि नहीं निकल जाएगा? अभी क्या कर रहा है, इधर आके काटेगा, उधर ही ठहरो, मैं थैली अराउंड कवर कर रहा है। आप थोड़ा देख सकते हैं कि पीछे पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा है, खून छिला रहा है, मतलब पीछे से भी जाने की कोशिश कर रहा है, जो हिल रहे उनको देखने की कोशिश कर रहा है। हम इधर ही है, उसको कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें आके काटेगा। यहाँ तो 10 सेकंड में आके काट सकता है, लेकिन वो कवर कर रहा है, उसको कितना खतरा लग रहा है ये सोच रहा है। हमने छोड़ दिया, बांध के नहीं रखा है और मैं उसके पास हूँ, इतना नज़दीक वगैरह हूँ, ये आके इधर भी आके काट सकता है। बल हम उसको डरा रहे तो डर रहा है, हम दूर जाके खड़े रहेंगे तो अपने आप वो अपना गर्दन या सर है नीचे करेगा और निकल जाएगा। क्या आप जो कहते हैं कि सांप को तकलीफ देने के बाद उसको अगर किसी प्रकार की चोट पहुंचाता है, गलती से भी कुछ लग जाता है, पांव हाथ आपकी हाथ में जो चीज़ है वो लग जाती है, तो वो सालों तक मतलब 12 साल तक बदला ले लेता है, यहाँ पर तो एक मिनट में वो भूल जाता है। तो ये सांप जो रहते हैं किस तरह से देखिए पीछे मुड़ रहा है और आराम से जाने की कोशिश कर रहा है इतने लोगों के बीच में। ये देखिए इस तरह से जा रहा है, तो हमसे कुछ उसका मतलब है नहीं, लेकिन इसको हम पकड़ने आए हैं तो इसको ये करेंगे, तो बाद में हमें वो किस तरह से कवर करता है देख सकते हैं। हम उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसका पीछा कर रहे हैं, हमारा पीछा नहीं कर रहा है, उसका लिमिट क्रॉस हम कर रहे हैं, यही बात समझनी है। सांप कहाँ तक जानलेवा है मैं बताने की बार बार कोशिश करता हूँ, जो यहाँ के लोग हैं वो खुद देख सकते हैं। अच्छा तुम्हें शेती केला एवढे वर्ष, तुम्हारा एवढे वर्ष कभी कुणाला पाठ लाला है सांप? इनको भी कवर करो, पाठ लाला है, चावला है ऐसा कभी पाठ लगून? आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, इस तरह के हम वीडियो बनाएंगे, सांप देखने को मिलेंगे, साथ ही में उसकी जानकारी पहुंचाना है, सांपों का डर खत्म करना है, सांप को बचाना है। उतना ही नहीं, सांपों से जो डर है उसको ख़त्म करके डर से मरने वाले हैं या सांप के जहर से मरने वाले हैं उस लोगों को हमें बचाना है। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए, पहुँचाने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं, आप लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा और ताकि लोगों तक हमें जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर रुकते हैं, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाइए।